जनपद संभल के चंदोसी के गांव खनुपुरा में बदमाशों ने पिता बेटी का एक साथ अपहरण कर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, साथ ही क्षेत्र में भी सनसनी फैल गई। एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जानकारी ली। वहीं तीन थानों की पुलिस पिता और पुत्री की तलाश में जुटी है। ये अपहरण क्यों हुआ अभी कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। थाना कुरफतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम खनुपुरा निवासी राज बहादुर पुत्र बद्री रात अपने घर के खुले आंगन में सो रहा था। पत्नी अमरवती, पुत्री बबली और छोटी बेटी नीलम छत पर सो रहे थे। इसके अलावा बेटे प्रमोद और सुनील कमरे में सो रहे थे। रात 1 बजे करीब 4 बाइकों से 8 बदमाश उनके घर पर आदम के। सभी बदमाश नकाब लगाए हुए थे। वहां पहुंचते ही बदमाशों ने राज बहादुर को तमंचा दिखाते हुए घसीटकर ले जाना चाहा। शोर सुनकर पत्नी और बेटियां नीचे उतर आईं। खुद बदमाशों ने तमंचा दिखाकर सबको अंदर ले जाना चाहा, परंतु छोटी बेटी नीलम बदमाशों की हरकत का विरोध करने लगी। तब तक 4 बदमाश राज बहादुर को एक बाइक पर बिठा चुके थे और उसे लेकर चल दिए। नीलम का विरोध देखते हुए बाकी बदमाशों ने उसे भी घर के बाहर खींच लिया और जबरन एक बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। इस बीच शोर मचाने पर अन्य ग्रामीण भी आ गए। घटना की सूचना 112 पुलिस को दी गई। 112 पुलिस ने वारदात की जानकारी लेकर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए तहरीर देने को कहा। घटना की सूचना पर आईजी एसपी संभल यमुना प्रसाद व एडिशनल एसपी आलोक जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से वारदात की जानकारी ली। फिलहाल परिजनों द्वारा वारदात की तहरीर दी जा रही है। इसके साथ ही तीन थानों की पुलिस पिता और पुत्री की तलाश में जुटी है। ये अपहरण की वारदात क्यों हुई फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। वारदात हुई रात आपके यहाँ? हम कितने लोग थे जानकारी है कुछ? वो तो 8 दी थे, मो ना दी थी। अच्छा, वो लोग किस चीज से थे बदमाश? किस सवारी से थे बदमाश? बाइक ही अभी रठाने दी थी, मो ना दी थी कुछ। अच्छा, किसी के साथ कोई मारपीट या कुछ लूट के ले गए? बस उन्हें पकड़ के ही ले। पकड़ के ले। तो क्या अभी तक क्या रिजल्ट मिला आपको पुलिस की तरफ से? कैसे कुछ नहीं मिला। डाटा बना हुआ था, तीन दिन आबाद दी हमारी ऊपर से भी चिल्लाई उतर के आई बाबू के लिए, तो भी जीना पैसे उतर गया बाज बचाने के लिए के मार रहा है। जब भाजी तो बेबी कब जा रही अम्मी अम्मी चिल्लाई हमारी, तो इनका एक ने कट्टा रख दिया था और एक ने मुन्ना से दिया और बाहर से लोग लगा दिया। कितने लोग थे? 8 लोग थे। तो क्या वो आए थे कुछ फायर वगैरह किया था? ना। आप उठ गए थे उस समय? ना, दो भाई सो रहे थे। अच्छा, कोई आपकी किसी से कोई रंजिश चल रही थी क्या? ना। आज कल में कोई लड़ाई धमकी किसी ने दी हो? तो अब तक कोई पता पड़ा आपके पिताजी का? पुलिस आई? रात कितने समय बाद आई पुलिस? रात आई 3-4 बजे। सूचना देने का कितनी देर बाद आई? 1 बजे, 1.5 बजे सूचना दे दी। 2 बजे के बाद। और क्या बजे आई थी? 2-4 बजे जी। 4 बजे पुलिस आई, 2 घंटे बाद। थानापुर क्षेत्र में बेटी और पिता का अपहरण हुआ है सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, सुना मैंने है अभी, और मैं अभी मौके पे भी जा रहा हूँ। यादव परिवार है और रात के 1:30-2 बजे उसका अपहरण करके ले जाना इस तरीके से, तो ये संभल जनपद की मैं समझता हूँ कोई नई बात नहीं है। इस वक्त प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर बन गई है अपहरणों की, हत्या, बलात्कार, लूट, एक सीजन जैसे चल जाता है इस वक्त वो चल रहा है। सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, विकास के नाम पे नील है, जनता बहकावे में अब नहीं आने वाली। अब ये डर लगता है बस कि एक तो घर की थी बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं अगर जाती है, बच्ची स्कूल पढ़ने जाती है, बड़ी चिंता का विषय रहता है कि या तो परिवार का साथ जाए या फिर जब तक नहीं लौट कर आती तो माँ बापों को। इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है सरकार में, उस चीज को लेकर क्या कहना है इनका? आपने कोई भी काम
आपने जमीनी लेवल पे देखा, ये तो सब कागजी और हवाई बातें हैं। हवाई बातें करके तो सरकार आई है भाजपा की, सबका विकास सबका साथ सबका सम्मान, तो कहाँ आप सबका विकास? विकास के नाम पे कोई ईंट लगी, कोई मेडिकल कॉलेज बना, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षक के कॉलेज बना, कोई सड़क घटना मुक्त होने की बात 6 महीने में की थी फिर घटना मुक्त हुई, कोई काम नहीं है। आखिरी समय आ गया है, 1 साल चुनाव का है। अब इनको चिंता ये है कि हम कैसे जनता को फिर दोबारा गुमराह करें। लेकिन क्या होगा? हाँ, अभी मैं इधर चंदौसी में एक नाबालिग के साथ घटना हुई थी, उसके निरीक्षण के लिए आया था। वहीं पर तुरंत सी उषा अरुण जी मेरे साथ थे, परमेश्वरलाल सैनी मेरे साथ थे और भी भाजपा के जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता थे। वहाँ पता लगा हमें तुरंत ही अभी, तो चूँकि सी उषा मेरे साथ ही थे तो पता लगा कि IG साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं। और थाने पर मुझे अभी मैं यमुना प्रसाद जी जो SP संभल हैं उनसे भी मुलाकात करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि परिवार की काउंसलिंग चल रही है, परिवार से बातचीत हुई है अभी और परिवार वालों ने भी कुछ बातें बताई हैं अभी जो अभी पुलिस तक पहुंच गई हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है या अपराधी इस प्रकार से बच ना पाए, जो दुर्घटना स्थल पर किस प्रकार की घटनाएं बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ किसी प्रकार की घटनाएं भी होती। मैं बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हूँ, मुझे पता लगा था और इमीडिएटली वहाँ सीधे तौर पर हम लोग इसलिए आए हैं कि जरा देखें इसमें नाबालिग बच्ची के साथ किसी प्रकार की घटना न हो, पिताजी और दोनों को ठीक तरीके से बरामद किया जाए। इसके लिए हम अभी SP साहब से अभी चर्चा करेंगे, बाकी पुलिस वाले हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से पुलिस की तत्परता है या जिस प्रकार से सभी लोग, आपने देखा IG साहब भी तुरंत ही पहुंच गए थे और SP साहब भी तुरंत आ गए, तो सभी की मंशा ये है कि इस प्रकार की घटना क्षेत्रों में न हो। अगर होती है तो उसको कैसे वर्कआउट किया जाए? पुलिस की तरफ से आपको अभी तक क्या जानकारी? हाँ, पुलिस की तरफ से अभी जो मैंने जानकारी ली है वो अभी जानकारी चल रही है, क्योंकि रात का किस्सा है और परिवार वालों से पूछताछ करके कोई संकेत जिस प्रकार से दिए हैं उसी पर, या क्षेत्रों में जो भी गुंडा एलिमेंट है या जो भी इस प्रकार के लोग हैं, सब उनकी जानकारी में अभी सब जानकारी करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, अभी समीक्षा भी करेंगे। अभी सर एक जानकारी के परिवार वाले आरोप लगाने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची सूचना देने के बाद रात। हाँ, निश्चित तौर पर वो कोई कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्टिवली काम नहीं कर रही, लेकिन मैं इसके विषय में पूछूंगा कि देर क्यों हुई है आखिरकार, और इतनी देर में चीजों में कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन अभी क्योंकि मैंने बात नहीं की है इस विषय पर, अभी मैं सीधे तौर पर पहले पीड़ित परिवार से मिलना, उसकी भावनाओं को समझना मेरा ज्यादा काम था, और इसके विषय में मैं अभी समीक्षा करूंगा कहीं कोई